न जाने क्यों हमारे देश में कुछ राजनेताओं और पार्टियों को देश विरोधी व्यक्ति में अपनापन झलकता है। न जाने क्यों हमारे देश के ही कुछ नेता और पार्टियां भारत विरोधी बातें करने वालों को बुद्धिजीवी मानकर उनके व्याख्यानों को सुनना और जनता को जबरदस्ती सुनवाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग निताशा कौल को नहीं जानते होंगे। वो भारतीय थीं। काफी समय पहले उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी। उनका एक खास एजेंडा है कि वो भारत के विरोध में जो मन में आता है वो बोलती हैं। वैसे तो वो खुद को एक प्रोफेसर बताती हैं, लेकिन भारत के लिए वो टुकड़े गैंग की समर्थक हैं। हम आज निताशा कौल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उन्हें अपने यहां होने वाले एक कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान देने के लिए बुलाया था। एक देश विरोधी व्यक्ति को कर्नाटक सरकार ने संविधान और राष्ट्रीय एकता पर विचार रखने के लिए आमंत्रित किया था। 24 और 25 फरवरी यानी बीते शनिवार और रविवार को बेंगलुरु में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसका टॉपिक था द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। इसे देश के साथ एक बद्धा मजाक ही कहा जाएगा कि एक ऐसी महिला को भारत के संविधान और एकता पर बोलने के लिए बुलाया गया जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करती है, जो खुद कश्मीरी पंडित होने के बावजूद कहती है कि 90 के दशक में हुआ हिंदुओं का नरसंहार आतंकियों की सशस्त्र क्रांति है, जो आतंकियों को कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार नहीं मानती, जो कश्मीर के पत्थरबाजों की तुलना जलियांवाला बाग के शहीदों से करती है, जो दुनिया को बताती है कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है। यही नहीं, वो आतंकी बुरहान वानी का समर्थन करती है। वो भारत सरकार का विरोध दुनिया भर के मंचों पर करती है। वो अमेरिकी संसद में भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत कर चुकी है। वो भारत सरकार और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फेक न्यूज फैलाती है। भारत विरोधी बयानबाजी करने वाली ऐसी निताशा कौल को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संविधान, सामाजिक न्याय और पहचान जैसे मुद्दों पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया था। लेकिन निताशा कौल का भारत आकर भारत के विरोध में बोलने का सपना सपना ही रह गया। निताशा कौल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इमिग्रेशन से बाहर नहीं आने दिया गया। उन्हें वापस उनके देश ब्रिटेन भेज दिया गया। भारत सरकार के इस कदम से निताशा कौल समेत कई भारत विरोधी बुद्धिजीवी चिढ़ गए। यही नहीं, इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति जंग भी छिड़ गई। She landed in the airport and she was denied entry without any valid reason. What do you mean by that? A state government in a federal system invites an academic who is of Indian origin, but she is told you cannot enter the country by the central government just because she doesn't subscribe to your ideology. Is this dictatorship in the country today? Is there no freedom of expression? Is there no freedom to participate in a debate on constitution? So I want to ask the BJP and the central government, what is your problem with the constitution? This shows, you know, what type of democracy is there in our country. How do they respect the constitution? What is the freedom of speech and individual freedom? So if they try to suppress them, this is not a good thing for our country. निताशा कौल कई मंचों से भारत विरोधी बातें कह चुकी हैं। वो देश के टुकड़े करने का सपना भी देखती हैं। वर्ष 2019 में किया गया उनका एक ट्वीट हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस ट्वीट में वो भारत के टुकड़े करने का ख्वाब देख रही हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1947 में कश्मीरियों को जनमत संग्रह का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। उनका मानना है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। इस ट्वीट से इतना तो पता चल ही रहा है कि कश्मीर को लेकर निताशा कौल जैसे देश विरोधियों का मंसूबा क्या है। निताशा कौल को पता है कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक नहीं जता सकता है, इसीलिए वो दूसरे तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में अपनी बात रख रही है। वो कश्मीर को भारत से अलग करने के नए तरीके सुझा रही। क्या भारत के टुकड़े करने की सोच रखने वालों को देश के किसी मंच पर बोलने का अधिकार है? ठीक ऐसे ही वर्ष 2016 में भी निताशा कौल ने एक ट्वीट किया था।
इसमें भी वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर रही। भारत विरोधी निताशा कौल ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत पर कश्मीर में नरसंहार का आरोप लगाया था। उनके मुताबिक कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने इस मामले में वहां पर गवाही दी थी। उन्होंने ये झूठ फैलाया था कि कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है। हमारे पास निताशा कौल की उस गवाही की कॉपी भी है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे पता चलता है कि निताशा कौल भारत के टुकड़े करने का सपना देख रही हैं। वो भारत में अशांति फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, चाहे इसके लिए कश्मीर में आतंकियों का समर्थन हो, पत्थरबाजों को बढ़ावा देना ही हो, या फिर पाकिस्तान जाकर भारत विरोधी बयानबाजी करना। हर मामले में निताशा कौल की फेक न्यूज फैक्ट्री 24 घंटे काम करती रहती है। निताशा कौल की फेक न्यूज फैक्ट्री भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसका एक उदाहरण वर्ष 2018 में मिलता है। वर्ष 2018 में निताशा कौल ने इंडियाज ऑब्सेशन विद कश्मीर, डेमोक्रेसी, जेंडर, एंटी नेशनलिज्म नाम से एक पेपर पब्लिश किया था। इस पेपर में उन्होंने भारत विरोधी एजेंडा चलाया था। इसमें उन्होंने भारत पर कश्मीरी महिलाओं के खिलाफ यौन अत्याचार करने का झूठ फैलाया था। निताशा कौल की भारत विरोधी मानसिकता कई वर्षों से भारत की छवि खराब कर रही है। वर्ष 2022 में हमने ही आपको डीएनए में बताया था कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की अमेरिकी संस्था के तार सिमी और लश्करे तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए। निताशा कौल उसी भारत विरोधी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के मंच पर जाकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाती रही। आईएएमसी ही नहीं, निताशा कौल कई बार मुजम्मिल अयूब ठाकुर नाम के व्यक्ति के साथ मंच साझा कर चुकी है। मुजम्मिल अयूब ठाकुर पर वर्ष 2022 में कश्मीर पुलिस ने भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाते हुए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। इतना ही नहीं, मुजम्मिल अयूब ठाकुर मोहम्मद अयूब ठाकुर का बेटा है। मोहम्मद अयूब ठाकुर पर आतंकियों को फंड उपलब्ध करवाने का आरोप है। ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड ने एक मामले की जांच में पाया था कि मोहम्मद अयूब ठाकुर के संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से भी हैं। यही नहीं, मोहम्मद अयूब ठाकुर पर वर्ष 2011 में ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने बड़ा खुलासा किया था। उनके मुताबिक अयूब की संस्था मर्सी यूनिवर्सल के सीधे संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से। ब्रिटेन तक ने यह माना था कि ये व्यक्ति जो अयूब ठाकुर हैं, ये बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनके संबंध हैं, उसे वो फंड कर रहे हैं। टेलीग्राफ ने बताया था कि ये बेसिकली आईएसआई का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली उन्हीं मंचों पर भी ये जाकर ये सारी चीज़ें बोलती हैं जो पहले से ही घोषित हैं कि वहाँ पर एक एंटी इंडिया लॉबी बैठी हुई है। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ये एक तरह से आप सोचिए ना कि लूज नेटवर्क है। थिंक टैंक्स हो गए, कुछ एकेडेमिया हो गए, कुछ रिसर्च हो गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, अलग अलग किस्म की, अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताती हुई। काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का ये नेटवर्क है जहां पर ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। इवेंट जो बनाते हैं उसमें उसी तरह के, उसी विचार के लोगों को इन्वाइट किया जाता है और वो जो कह रहे हैं उस बात को ज़्यादा पब्लिसिटी दी जाती है। जैसे ये है निताशा कौल, ये बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक राइटर है। इनकी अगर आप वो देखें हिस्ट्री, एकेडमिक हिस्ट्री जो भी इनके हिसाब से एकेडमिक है, इसने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करे हुए हैं। तो वो पेपर्स पब्लिश कर कर के जर्नल्स भी ऐसी हैं कुछ जो कि एक दूसरा व्यू लेती हैं भारत को लेकर के, या कहती हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स दुनिया भर में। उस तरह की जर्नल्स हैं जो कि अपने विचार से चलती हैं। तो ये एक नेटवर्क बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। निताशा कौल के संबंध पाकिस्तान से भी हैं। जैसा कि लोग जानते हैं कि भारत विरोधी लोगों की पाकिस्तान में बहुत इज्जत है, इसीलिए निताशा कौल के पाकिस्तान में बहुत सारे फैंस हैं। वर्ष 2020 में निताशा कौल को पाकिस्तान के लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का बुलावा आया था। वहां जाकर उन्होंने भारत विरोधी बयान दिए थे और भारत की चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर सवाल भी उठाए थे। अब विडंबना देखिए, पाकिस्तान जैसे देश जहां जनता लोकतंत्र का मतलब भी नहीं जानती, उस देश में निताशा कौल जैसे झूठे लोग भारतीय लोकतंत्र के विरोध में बोल रहे थे। निताशा के भारत विरोधी बयानों का पाकिस्तान ने कई बार फायदा उठाया है। निताशा के बयानों के आधार पर वो भारत के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाता है। वर्ष 2020 में पाकिस्तान के सरकारी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने
कश्मीर पर एक सेमिनार आयोजित किया था। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आरिफ अलवी थे। इस सेमिनार में पाकिस्तान के पूर्व अतिरिक्त विदेश सचिव और आईएसएस के डीजी एजाज अहमद चौधरी ने निताशा कॉल के बयानों को आधार बनाकर भारतीय शासन की तुलना हिटलर के नाजी शासन से की थी। निताशा कॉल एक ऐसे वर्ग से आती हैं जो खास भारतीय परिधान पहनता है, हाथों में लैपटॉप या कोई किताब रखता है। इसके अलावा वो खास बुद्धिजीवी लुक लेकर लोगों के बीच जाता है। ऐसे लोग आम जन के बीच खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अंग्रेजी भाषा के बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। निताशा कॉल हर विदेशी मंच पर भारत के विरोध में खड़ी हो जाती है, चाहे उस मुद्दे से उनका कुछ लेना देना हो या ना। एक ऐसे व्यक्ति को भारत में व्याख्यान देने का निमंत्रण देना जिसका सपना भारत के टुकड़े करना, शर्मनाक स्थिति ही कही जाएगी।